तो सो फाइनली गाइस अभी अपन है जमजम इलेक्ट्रॉनिक के बाहर, अभी चलते हैं जमजम। तो देखिए भाई फाइनली अकरम भाई अपने को देखो गाड़ी तक छोड़ने के लिए आए और उन्होंने खुद पर्सनली उन्होंने ही टैक्सी मंगाई है गाइस। तो गाइस अभी अपन है दुबई के अंदर और देखिए ये टैक्सी, अभी अपन जा रहे हैं जमजम इलेक्ट्रॉनिक पे, वहाँ पे देख लेते आईफोन परचेस करेंगे, आईफोन भी लेना है, मैक भी लेना है, ड्रोन भी लेना है और पे वो मार्केट में जहाँ पे अपने को सस्ता रेट मिलेगा वहाँ से अपन परचेस कर लेंगे। मैं दिखा दूँ आपको दुबई की टैक्सी किस तरीके की होती है गाइस, भाई अपने साथ जो गाड़ी चला रहे हैं। तो गाइस दुबई में अपने इंडिया के जैसा ओला उबेर ऐसे कोई भी नहीं चलता, यहाँ पे दुबई गवर्नमेंट के अंडर टैक्सी चलती है, यहाँ पे जितने भी टैक्सी चलते हैं सब दुबई गवर्नमेंट के अंडर चलते हैं। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हम जो 6.50 दिरहम टैक्सी के अंदर बैठने के बाद चार्ज होता है और उसके बाद मीटर से रीडिंग चालू हो जाती है, आप जितने किलोमीटर जाएंगे उतने चार्जेस आपको लगते हैं दिरहम में। और यहाँ पे कोई प्राइवेट टैक्सी नहीं चला सकता भाई, दुबई गवर्नमेंट के अंदर ही टैक्सी चलती है, अपने इधर की जैसे प्राइवेट टैक्सी नहीं चलती है। तो अभी अपन जा रहे हैं बुरदुबई में, सबसे पहले जाएंगे जमजम इलेक्ट्रॉनिक पे और जमजम इलेक्ट्रॉनिक पे देखते छोटा भाई और बड़े भाई अपने को मिलते कि नहीं मिलते। गाइस आप ऐसे ही इस ब्लॉग को कंटिन्यू करिए, आज मैं आपको मीना बाज़ार दुबई के अंदर का मीना बाज़ार घुमाने वाला हूँ गाइस, और यहाँ पे आईफोन के प्राइजेस भी क्या है मैं आपको दिखाने वाला। अपन यहाँ के मीना बाज़ार में के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है सब मोबाइल सब शॉप पर जाने वाले गाइस, सबसे पहले जमजम इलेक्ट्रॉनिक पर जाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं यूरोजोन, सिटी चॉइस। और अब ये देखिए गाइस दुबई का नाइट व्यू। अभी क्या होगा ना, जब टूरिस्ट आते हैं ना उनको नहीं पता था सिग्नल कैसे क्रॉस करना है, और रेड सिग्नल हो या ग्रीन हो उन्होंने क्रॉस कर लेना है, ठीक है। लेकिन जो होते हैं ना ड्राइवर यहाँ के जिनके पास लाइसेंस होता है उनको यह आगा दिया जाता है भाई आपने ब्रेक लाजमी मार ली, चाहे पीछे हजार ड्राइवर को फिर भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे अगर कोई बंदा पास कर रहा है कुछ भी हो जाए ब्रेक मारना लाजमी है, तो 500 दिरहम का फाइन मतलब कुछ हो गया तो, या फिर कुछ नहीं भी हुआ तो कुछ हो, अगर कुछ हो गया गलती से 3 साल सजा 30,000 दिरहम। बापरे 30,000 दिरहम और 3 साल सजा, अगर किसी विजिटर किसी बंदे को अगर धक्का लगता है तो एक्सीडेंट का तो बहुत ये होगा इधर, फिर एक्सीडेंट हो जाता है अगर गाड़ी टच होती है तुमसे तो किसके साथ, इंसान के या गाड़ी के साथ? गाड़ी के साथ, वो तो इंश्योरेंस होती है, वो हो जाता है इंसान के साथ होती है तो फिर के साथ होती है बहुत, अगर ब्लड निकला यार गए और ब्लड निकला तो गए। तो गाइस फाइनली अपन पहुंच चुके हैं जमजम इलेक्ट्रॉनिक के पास और अभी निकलते टैक्सी के बाहर, देखते हैं रेट यहां पे क्या है क्या नहीं। चलिए तो सो फाइनली गाइस अभी अपन है जमजम इलेक्ट्रॉनिक के बाहर, अभी चलते हैं जमजम इलेक्ट्रॉनिक के अंदर और देखते हैं आईफोन के रेट्स क्या रहने वाले। तो देखिए भाई फाइनली जमजम इलेक्ट्रॉनिक में रेट देखे, वहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, 4300 दिरहम समथिंग रेट बता रहे थे वो। तो चलो गाइज अभी अपन जाते हैं सिटी चॉइस में और देखते हैं वहाँ के रेट आज क्या रहते क्या नहीं थे। तो गाइज अभी अपन जा रहे हैं यूरो जोन के अंदर, यूरो जोन में देखते हैं रेट क्या है आईफोन 14 प्रो का। तो फाइनली गाइज अपन आए थे सिटी चॉइस में, अकरम भाई मिल गए अपने को और आपने यहाँ से देखिए कितने सारी चीजें परचेस की है, मैकबुक एयर लिया है, आईफोन 14 प्रो लिया है, DJI मिनी 3 का फ्लाइ मोड कॉम्बो लिया है और उसके बाद आईफोन सैमसंग का S23 अल्ट्रा भी परचेस किया है। तो देखिए अकरम भाई खुद अपने हाथ से अनबॉक्स कर रहे हैं, ये तो बात है ना भाई, ये देखो सब अकरम भाई का प्यार है जो हमें यहाँ तक खींच लाया भाई, जो इंडिया से दुबई तक लास्ट एक बाकी है इनका आईफोन 14 प्रो मैक्स लिया गाइस अपन फाइनली सिटी चॉइस पे आके अकरम भाई के हाथ से आप देख सकते हो अनबॉक्सिंग हो रही है फाइनली। ये देखिए एकदम कड़क, ओहो फाइनली बहुत अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है। अबे ये फोन तो ले लिया, अबे उसको उठाने का वक्त हेलो सेट
इस अभी अपन निकल रहे हैं दुबई से। अकरम भाई अपने को देखो गाड़ी तक छोड़ने के लिए आए और उन्होंने खुद पर्सनली उन्होंने ही टैक्सी मंगाई है गाइस। और अभी हम जा रहे हैं। शुक्रिया अकरम भाई, दिल से आपके। चलो मिलते हैं अगर नेक्स्ट टाइम दुबई आते हैं। और मेरे दोस्त लोग कोई भी आते हैं तो आपको रिकमेंड जरूर करेंगे हम दुबई आने के। अभी टैक्सी में पेट्रोल डाल रहे थे भाई। कितने दिरहम का डाल रहे हो? 100 दिरहम। हाँ कितना बैठता है 100 दिरहम में? 33 लीटर डीजल मिल रहा है। फाइनल गाइज अभी अपन जा रहे हैं होटल की तरफ वापस। आई होप गाइज आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।